हाय फ्रेंड, मैं हूं उमर फारूक मल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफएम फैशन। दोस्तों, जीन्स पैंट सभी लोग पहनते हैं, लेकिन जीन्स पैंट में फ्रंट में या बैक पॉकेट में जो प्रिंट होता है, एम्बोज होता है, सभी को पता नहीं रहता है। तो आज का ब्लॉग यही बनने वाला है दोस्तों। चलो कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है प्रिंट का जो स्केच होता है, जो पेपर के ऊपर ये सब डिजाइन है, जैसा कि देख रहे हैं। ये एक डिजाइन है, ये सब डिजाइन है, ये एक डीजे डिजाइन है, एक लोगो डिजाइन है। जैसा कि ये बैक पॉकेट में या फ्रंट में जिधर सेटिंग होता है वो हिसाब से सेटिंग करते हैं। जैसे ये बैक पॉकेट में एम्बोस प्लस प्रिंट दोनों डिजाइन समझो, ये इधर सेटिंग किया हुआ है। ये एक तीसरा दूसरा डिजाइन है दो कलर में, ये भी एक डिजाइन है, ये भी एक डिजाइन है। ये एम्बोस भी है, उसमें प्रिंट भी है, दोनों मिक्स डिजाइन है। ये भी एक डिजाइन है। तो दोस्तों, इस सब डिजाइन कच्चे कपड़े में सब बना के रखा है। किसी में डबल कलर है, ये वाइट कलर का, यहाँ ये प्रिंट है और ये एम्बोस है। तो दोस्तों, ये सब देख रहे हैं, ये सब डिजाइन, ये फॉर्मा है जो पहला मैं पेपर देखा है, वो पेपर ये लकड़ी का फ्रेम में बंद करके इसको कंप्यूटर से पहले से रेडी करना पड़ता है। और ये जो डिजाइन दिख रहा है ये सब उसके अंदर छेद रहता है जो खाली आँख में नहीं दिखता है। अभी ये घैसलेट डाला है, घैसलेट डाल के इसको सफ़ा किया, जो डिजाइन चाहिए उसको खाली ओपन रखेगा, बाकी डिजाइन को सेलोटेप से बंद करेगा। ये सब फ्रेम है, ये सब फ्रेम बना के रखा है। ये एम्बोस का मशीन है, ये डिजाइन पहला प्रिंट किया है कपड़े के ऊपर, उसका बाद इसके ऊपर नीचे वो डिजाइन के हिसाब से डाई लगा के फिर इसको, ये हीटिंग होता है बहुत, हीटिंग के बाद उधर कपड़े का उल्टा बाजू में डिजाइन बराबर एक खड्डा टाइप का बन जाता है। बनने का बाद उसका अंदर जेल भरा जाता है, जेल भर के उसको इस तरह होता है ये, ठीक है दोस्तों। ये है डाई, फिर एक कपड़ा लिया है, फिर उसी को बराबर सेंटर पे बिठा के उसको मशीन के नीचे डाल के एकदम डाई और डिजाइन बराबर सेंटर में बैठना चाहिए, जैसा कि उसका प्रिंट बनेला है पहले से। तो आउटलाइन होएगा वो वाइट कलर का प्रिंट, और उसका अंदर का जो कपड़ा है वो एम्बोज में दबेगा, मतलब जो डिजाइन है वो खड्डा टाइप का बनेगा। और उसको अंदर ये वाइट कलर का एक केमिकल है, ये जेल टाइप का है, इसको उसमें भरा जाएगा, जैसा ये देख रहे हैं भर रहे हैं आप। इसके बाद ये हीटिंग का गान है, ये गान में बहुत मतलब हीटिंग आता है उसमें, वो पहला सूखता है, उसका बाद वो लाइफ टाइम हो जाता है। जैसा कि आपका जीन्स फट जाएगा, लेकिन ये जो एम्बोज है ये ज़िंदगी में निकलेगा नहीं है, ये इतना मतलब फिक्स काम है। ये वो पहले से डिजाइन बना के रखा था, वो सब सुखा रहा है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये सब डिजाइन बना के रखा है सब, ये इस तरह देखता है, बिंदी बिंदी टाइप का, डॉट डॉट डॉट, जो हिसाब से डिजाइन हमको सामने वाला से पास होता है वो हिसाब से ही डिजाइन बनाया जाता है। ये देखो, ये जेल सूख गया पूरा, हाँ ये चिपके हाथ में चिपका भी नहीं। ये प्रिंट का है, इसका सेटअप हो गया है, ये पहला घैसलेट से सफाई कर लिया, अपना सेंटर बना लिया, अभी उसका ऊपर जो कलर होएगा वो कलर से ऐसा ही पटरी से खींचा और डिजाइन छप गया है। देखा दोस्तों, इस तरह ही प्रिंट बनता है। अभी ये सेटिंग बना लिया, अभी एक एक पॉकेट रखेगा और उसके ऊपर ऐसा छाप के छापते जाएगा। ये कलर का डब्बा है, ये फेविकॉल टाइप का एक अलग केमिकल कलर आता है,
ये वही कलर है। फिर ये लगातार ऐसा ही ये डिजाइन बनाता जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कोई ऑटोमेटिक मशीन है, ये हाथ से ही होता है, मैनुअली होता है। इसका बाद इसको फ्यूजिंग किया जाएगा, जैसे कि वॉश में ये कलर निकले नहीं, तो इस तरह इसको बना के ये फ्यूजिंग मशीन है इसके अंदर डाला जाएगा। बहुत हीटिंग होता है, एक फिक्स टेम्परेचर में इसको हीट किया जाता है, उसका बाद इसको निकाला जाता है। इसको कहते हैं फ्यूजिंग मशीन। अगर ये फ्यूजिंग नहीं किया तो एक ही धुलाई में ये प्रिंट निकल जाएगा। ऐसा लाइन से रखा जाता है, उसका बाद वो मशीन का जो ऊपरी हिस्सा है उसको घुमा के इसका ऊपर लाएगा, ये ऑटोमेटिक ही ऐसा दब जाता है और एक फिक्स टेम्परेचर में ऑटोमेटिक ही छोड़ देता है। जैसा कि उसका काम पूरा हो जाएगा तो अपने आप वो कंप्रेशर छोड़ देता है। तो यही था मेरा वीडियो दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन आएगा उसको क्लिक जरूर करना। और जाते जाते लास्ट में मैं सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखें। जय हिंद, जय भारत।